Hello, good morning everyone. We are back again with Margdarshika Environment series, and this time something new and something very 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 useful. तो इस बार मैंने सोचा कि जैसे कि UPSC ने UPPSC ने अपनी डेट्स जो हैं रिलीज़ कर दी हैं, और दी अकॉर्डिंग टू मी दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड डेट्स, दीज आर दी फाइनल डेट्स, क्योंकि अक्टूबर तक जो है मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल और एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट होंगे. सो अब क्योंकि UPSC ने UPPSC ने जो है अपनी डेट्स दे दी हैं, तो वी नीड टू बी प्रिसाइज एंड वी नीड टू स्टार्ट अवर स्मार्ट स्टडीज़. तो उसी के चलते मैंने जो है एनवायरनमेंट का जो स्टैटिक, जो अब तक मैं आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ा रही थी, उसको करंट के साथ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है. जैसे कि हम लोग करंट और स्टैटिक अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग करंट पढ़ेंगे तो भी स्टैटिक पोर्शन आता जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी ओजोन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है या कोई भी करंट अफेयर है, हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हम उसके साथ साथ फिर ओजोन को कम्प्लीटली जो है एक बार देख लेंगे. ओके, तो इस लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने फ़िलहाल जनवरी ऑनवर्ड जो है करंट अफेयर्स जो है कवर करने की कोशिश की है. इस पर्टिकुलर वीडियो में लेक्चर वन में जितनी भी मतलब नॉट ऑल, कमिंग कुछ लेक्चर्स में जितने भी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो फ्लोरा और फौना है जो कि न्यूज़ में रहे हैं किसी ना किसी वजह से, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. तो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर, और आई होप आपको ये पसंद आएगा. और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक लगे तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक लगा या नहीं लगा, या आई शुड गो विद दी स्टैटिक पार्ट ओनली एंड देन आफ्टरवर्ड्स करेंट, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा. तो मूविंग अहेड, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट ओनली. अब बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ेंगे UPSC के लिए UPPSC के लिए, उसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी. सबसे पहली बात कि वो न्यूज़ में क्यों है, या वो अगर उसकी कोई स्पेशलिटी है वो, या फिर वो IUCN जो हमारा IUCN स्टेटस है वो उसका क्या है, या वो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या कुछ भी है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं भी ये बता दूँ कि जो जिस कैटेगरी में हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी को रखते हैं, कि वल्नरेबल में रखा है, एंडेंजर्ड में रखा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा है, जिस भी कैटेगरी में हमने रखा है उसके कंजर्वेशन मेजर्स उसी हिसाब से होते हैं, राइट. अगर कोई वल्नरेबल है स्पीशी, तो उसके कंजर्वेशन मेजर्स जो है, क्योंकि हमें अर्ली स्टेज पर पता चल गया कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, यानी कि प्रोन टू एक्सटिंक्शन है, तो हम उसके जो है कंजर्वेशन मेजर्स छोटे लेवल पर लेकर या एकदम से एक एक्सटिंक्ट इमेंस लेवल पर लेकर उसको हम कंजर्व कर सकते हैं. लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल हर किसी में यही होता है कि हमारे कंजर्वेशन मेजर्स काम करें और हम उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएँ. ओके, तो ये जो फ्लो चार्ट है इसमें नीचे से ऊपर जाने पर जो एक्सटिंक्शन का रिस्क होता है वो बढ़ता है. ओके, एक्सटिंक्शन मतलब पूरी तरह से विलुप्त होने का जो खतरा होता है. ओके, कोई भी स्पीशी है, अगर उसकी एक भी ऑर्गेनिज्म आपको इस प्लैनेट पर नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई है, राइट. तो ऐसी सारी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि डेटा डेफिशिएंट मतलब जिसका डेटा इनसफिशिएंट है, या नॉन इवेलुएटेड मतलब एक कोई ऐसी स्पीशी जिसे सबसे पहले नॉन इवेलुएटेड, कोई ऐसी स्पीशी जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आपको जो उसकी पॉपुलेशन देखने मिलती है, इसीलिए उसे IUCN ने मतलब इवेलुएट ही नहीं किया है, मतलब है काफ़ी है तो हमें उसके इवेलुएशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हमें अपनी आंखों से दिख रहा है कि उसको कोई ख़तरा नहीं है, हर जगह कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलती है, अच्छे रेशियो में मिलती है पॉपुलेशन. डेटा डेफिशिएंट वो स्पीशीज़ हैं जो जिन्हें इवेलुएट तो किया गया लेकिन उनका डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है. अब उन्हें डेटा डेफिशिएंट में डालते हैं ना ही हम उन्हें फिर हम अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है ना, तो हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि वो एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हो गई हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हमारे पास डेटा ही नहीं है कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट इज लीस्ट कंसर्न, मतलब लीस्ट कंसर्न में भी ये आ जाएंगी कि जिनकी जो एक ऐसी पॉपुलेशन, एक ऐसी स्पीशी जिनके हैबिटेट को ख़तरा नहीं है, जिनके फूडिंग को या उनकी लिविंग को ख़तरा नहीं है, तो वो जो होती हैं लीस्ट कंसर्न में आ जाती हैं. नियर थ्रेटेंड मतलब उनको जो है रिस्क हैं, मतलब वो एक तरह से रिस्क की तरफ हैं और हमें उन पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए,
वल्नरेबल ये होता है कि अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्पीशी को लेके, क्योंकि अगर ये वल्नरेबल से एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड में चली गई तो फिर उसके एक्सटिंक्ट होने की जो है खतरे जो है चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब कि भाई स्पीशी को जो है अच्छा खासा खतरा है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो अच्छे लेवल पर कम हो रही है, तो हमें जो है अच्छे से उसके कंजर्वेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली मतलब एंडेंजर्ड मतलब कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम हो गई है और उनके कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो नीड ऑफ द टाइम है, आपको लेने ही लेने पड़ेंगे, अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड मतलब अपने वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट में वो एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन वो आर्टिफिशियल हैबिटेट में हमने उसे ब्रीड करा के या वॉट एवर मेजर से उसे अभी भी बचा रखा है, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट मतलब कि अब वो है ही नहीं, एक्सटिंक्ट पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, कहीं देखने नहीं मिल रही है। ओके, और जैसे हमने डिस्कस किया उसमें भी आपको समझ में आ गया हो कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपका रिस्क जो है वो बढ़ रहा है। तो मूविंग अहेड, हमारी जो पहली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो हम पहला देखेंगे वो है हरगिला। हरगिला क्यों न्यूज़ में था, उसके इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, या उसका IUCN स्टेटस क्या है, या साइट्स जो आपका है उसमें उसका जो है आपका स्टेटस क्या है, वो सब जो ही सबसे बड़ी बात ये है ना कि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो यू नीड टू बी रियली प्रिसाइज, और आपको ये सब जो है बार बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको एक टाइम के बाद जो है ये मेमोराइज हो जाएंगे कि उसका स्टेटस क्या है। ओके, मूविंग अहेड, हरगिला, अगर हम हरगिला की बात करें तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये हरगिला की पिक्चर है, समवॉट सारस लाइक अपीयरेंस है इसकी। ओके, अब ये आपकी न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि जो असम स्टेट जू एंड वाइल्ड लाइफ NGO है, एक NGO है असम की जिसका नाम है आरण्यक, उसने क्या किया है कि उसने एक पेयर ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट हरगिला, मतलब ग्रेटर एडजुटेंट उसका साइंटिफिक नेम है, आई हैवंट अंडरलाइंड इट, और इस हरगिला की जो है एक पेयर को इन्होंने ब्रीड कराया है, इसके चिक्स को ब्रीड कराया है आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशंस में, जू की कंडीशंस में उसको ब्रीड कराया है। ठीक है, अब ये भी ब्रीडिंग भी क्या है, ब्रीडिंग ऑल्सो कम्स अंडर क्या, कंजर्वेशन मेजर्स के ही अंडर आती है। ठीक है, हमें किसी भी स्पीशी को आर्टिफिशियली ब्रीड कराने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है और हमें उसको बचाना है, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, तो ये भी एक मेथड होता है उसको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि ये जो है असम के और बिहार के, इंडिया में असम और बिहार के कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ में देखने मिलती है, प्लस ये आपको कहाँ मिलती है, प्रैक्टोल कम्बोडिया के रीजन्स में देखने मिलती है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, मतलब वल्नरेबल से ऊपर वाला एंडेंजर्ड। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो है ये इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये एक्सटिंक्शन के रिस्क की तरफ बढ़ रही है और आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, हर जो भी प्रोटेक्शन एक्ट है बायोडाइवर्सिटी को लेके, उन्होंने अपने अपने शेड्यूल्स अपेंडिक्सेस निकाल रखे हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि अच्छा अपेंडिक्स वन में है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अपेंडिक्स वन में है तो इसको इतना खतरा है। ठीक है, तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ही अपेंडिक्स फोर्थ में है। ठीक है, ये फैक्चुअल न्यूज़ है, आप याद रख लेना, स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकती है। नेक्स्ट, एक रिसेंटली एक नाम डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ये न्यूज़ में था क्योंकि शी इज़ द वन हु इज़ लीडिंग आरण्यक, ये आरण्यक NGO को लीड कर रही हैं और इन्हें जो है विटले अवार्ड मिला था, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर्स भी बोलते हैं, 2017 में। ओके, विटले अवार्ड मिला था 2017 में, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर्स भी बोलते हैं। सो और ये ने अवार्ड किस लिए मिला था, इनको अवार्ड मिला था कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन वर्क के लिए, जो उन्होंने कंजर्वेशन के लिए हरगिला के लिए जो काम किए थे उसके लिए इनको ये ग्रीन ऑस्कर्स या फिर विटली अवार्ड मिला था। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट है एशियाटिक लाइन। अब एशियाटिक लाइन को हमें डिस्कस क्यों करना है, क्योंकि एशियाटिक लाइन सेंसस होने वाला था जो कि लॉकडाउन के चलते और COVID-19 के चलते जो है फिलहाल जो है आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये इसकी जो प्रायर डेट थी होने की वो थी मई 2020। ठीक है, अभी इसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया है
और इसकी नेक्स्ट डेट्स और नेक्स्ट सेंसस कब होगा वो आपको पता चलेगा. ओके, नाउ व्हेन प्राइड इज इन नंबर्स, क्यों बोला गया व्हेन प्राइड इज इन नंबर्स, बिकॉज एशियाटिक लॉयन जो था वो हमारा जो था थ्रेटेंड था, वो एक्सटिंक्शन के लिए भी एंडेंजर्ड था, और हमने उसके लिए कंजर्वेशन मेजर्स किए, बहुत सारे मेजर्स लिए, और व्हाट वी हैव सीन इज कि उसका नंबर्स जो है वो अच्छे रेशियो में जो है बड़ा है. आपको खुद ही ग्राफ इसका दिख रहा होगा कि 1936 में जहां हमारे पास 287 एशियाटिक लायंस थे, वहां पे 2015 में जस्ट अप्रॉक्सीमेटली डबल 523 एशियाटिक लायंस जो हैं आपके वो इस वक्त नोटिस्ड हैं. ओके, और ग्राफ ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ा ही है, हम ग्राफ कम भी हुआ है बड़ा भी है. जैसे कि आपका 1968 में वर्स्ट काउंट एवर 177, अब तक का सबसे कम जो काउंट रहा है एशियाटिक लायंस का वो आपका 1968 में रहा है. ठीक है, 2015 में 523, और जो एशियाटिक लायन सेंसस होता है हर 5 साल में एक बार होता है. ओके, इट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. तो पिछला हुआ था 2015 में, अगला होना था 2020 यानी कि मई 2020 में, जो कि लॉकडाउन के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है. ओके, अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके सेंसस के लिए, इसकी काउंटिंग के लिए जो है आपकी गुजरात डिपार्टमेंट ने क्या किया था, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 80,000 से 10,000 कैमराज इंस्टॉल करने की बात कही थी. ठीक है, इसके काउंटिंग के लिए. ठीक है, लाइन सेंसस कहाँ होता है, गुजरात में. ओके, गुजरात में लाइन सेंसस के लिए 8,000 से 10,000 कैमराज इंस्टॉल करने की बात थी, जो कि आपकी न्यूज़ कंटेंट था. नेक्स्ट इज इसको कंडक्ट कौन कराता है, ये कंडक्ट कौन कराने वाला था, ये कंडक्ट कराने वाला था गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कराता है इन एवरी 5 ईयर्स. ठीक है, कहाँ पर, एशियाटिक लाइन लैंडस्केप में, मतलब जो जो एरिया एशियाटिक लाइन्स के पाए जाने के लिए मार्क्ड है कि इतने से इतने एरिया में आपको एशियाटिक लाइन्स की पॉपुलेशन दिखेगी, उतने एरिया में उसको हम बोलते हैं एशियाटिक लाइन लैंडस्केप. वहाँ पर आपको जो है 8,000 to 10,000 कैमराज जो है इंस्टॉल करने की बात थी. ठीक है, अब एशियाटिक लाइन लैंडस्केप कहाँ है, मेजरली है आपका गिर नेशनल पार्क में. गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका मेजर एशियाटिक लाइन लैंडस्केप है. हाँ, सो जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, अगला 2020 में होना था. 2015 में 523 लाइन जो है वो नोटिस किए गए थे, स्पॉट किए गए थे. अब एशियाटिक लाइंस के जो है बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं. जैसे कि एशियाटिक लाइंस को IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये किस में है, शेड्यूल 1 में. ओके, अब एक इससे पहले जो एशियाटिक लाइंस से रिलेटेड जो न्यूज़ थी मोस्ट रिसेंट वो थी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के बारे में. क्या है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और बेबसियोसिस, एक बेबसियोसिस डिजीज और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का जो कॉम्बिनेशन था वो जो है आपका, जो कि टिक बॉर्न पैरासाइट से हो रहा था, वो एशियाटिक लॉयंस को मार रहा था गिर फॉरेस्ट सेंचुरी में. ठीक है, मतलब थ्रेट हुआ ना, ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, हम उसके लिए कंजर्वेशन के लिए कर रहे हैं, और कोई डिजीज या कोई आपका जो है पैरासाइट जो है कोई वायरस रिलीज कर रहा है, कोई वायरल डिजीज कंडक्ट जो है क्रिएट कर रहा है जिससे उसकी जो है पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो थ्रेट है उस स्पीशी के लिए. तो वही थ्रेट था आपका क्या, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस. ये कंटेजियस वायरल डिजीज थी, ये जो है एशियाटिक लाइंस के रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट कर रहा था और उनकी डेथ कॉज कर रहा था. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें गिर नेशनल पार्क का नाम आया तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं. गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब एस्टैब्लिश हुई, 1965 में. ठीक है, और ये सौराष्ट्र रीजन, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में जो है आपकी सिचुएटेड है. प्लस ये किसकी पार्ट है, ये काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन जो है गिर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन.
ठीक है, इससे फ्लो होने वाली जो मेजर रिवर्स है, इससे पास होने वाली जो मेजर रिवर्स हैं वो है रतारदी, शिंगोड़ा, हिरान, है ना, शेत्रुंगी एंड मचुंद्री, गोदावरी एंड रावल। ओके, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऐसे ही स्टेट इन्हीं में से स्टेटमेंट बना देगा एंड यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रेड ब्रिटल स्टार। रेड ब्रिटल स्टार न्यूज में क्यों थी? रेड ब्रिटल स्टार न्यूज में इसलिए थी क्योंकि रेड ब्रिटल स्टार में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन जो है वो देखा गया था। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन क्या है कि बिना आंखों के देखना, है ना, बिना आंखों के देख पाने की क्षमता को एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन बोलते हैं। ओके, अब इसमें देखा गया था कि कुछ स्पीशीज ब्रिटल स्टार की, वैसे ये दूसरी ही ऐसी स्पीशी है जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन जो है स्पॉट किया गया है। इससे पहले जो है सी अर्चिन आई गया, सी अर्चिन की कुछ स्पीशीज में ये देखा गया है। उसके बाद सेकेंडली इसमें देखा गया है रेड ब्रिटल स्टार में। ओके, सो हियर इट इज रिटन कि सबसे पहले मतलब ये सी अर्चिन की कुछ स्पीशी में देखा गया है, दूसरे नंबर पे ये जो आपके रेड ब्रिटल स्टार में देखा गया है। अब आपको पता चल गया कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन क्या होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए बोला गया है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि जो ये रेड ब्रिटल स्टार हैं ये क्या पजेस करते हैं, ये अपनी बॉडी पर फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है उनकी बॉडी पर मिलते हैं, ठीक है। प्लस ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं ये ऐसा माना गया है कि हेल्प करते हैं इनके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन होने में। ओके, नेक्स्ट इज कि इनमें जो है चेंज कलर चेंज करने की जो है कैपेबिलिटी है, ठीक है। डे टाइम में डीप रेड होते हैं और नाइट में बीच कलर के होते हैं। ओके, सो इट ऑल्सो पजेस कैपेबिलिटी ऑफ सिग्नेचर कलर चेंज। अब रिसर्च में ये देखा गया है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन और कलर चेंजिंग एबिलिटीज जो हैं, ठीक है, मतलब रिसर्च में ये देखा गया है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन एक इनका फैक्टर है, एक इनका कैरेक्टरिस्टिक है, और दूसरा है आपका सिग्नेचर कलर चेंज का जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है, उन दोनों में ज़रूर कोई ना कोई लिंक है। क्योंकि डे टाइम पे जिन स्पीशीज़ के साथ रिसर्च की गई उनके रिस्पॉन्स अलग थे, और नाइट टाइम में या लाइट ना होने पर जिन स्पीशीज़ के साथ रिसर्च की गई उनके रिजल्ट जो है अलग आए थे। वी नीड नॉट टू गो डीप इन टू इट, आपको वही बताना चाहिए एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन क्या है, किस में देखा गया है, है ना, और रेड ब्रिटल स्टार पहली ऐसी स्पीशी है जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन देखा गया है, तो नहीं, ठीक है। यस, क्या सी अर्चिन की कुछ स्पीशी ऐसी है जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन पाया जाता है? जी हाँ, ऐसे ही स्टेटमेंट जो है बन सकते हैं आपके इस अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई फ्रेम होता है तो। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज चाइनीज पेडल फिश। अब चाइनीज पेडल फिश न्यूज में क्यों थी रिसेंटली? वो इसलिए थी क्योंकि चाइना में एक रिवर है यांगजे रिवर, जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, उसमें जो है जो आपकी ये चाइनीज़ पैडल फिश है ये पाई जाती थी, और इस वक्त उसकी जो है पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई है। वहाँ पर एक भी आपको चाइनीज़ पैडल फिश देखने नहीं मिल रही है, ठीक है। अब चाइनीज़ पैडल फिश क्या होती है? ये दो से तीन मीटर लॉन्ग होती है, और कितनी लंबी तक हो सकती है? 7 मीटर तक लंबी है हो सकती है। ये पिछले 15 मिलियन ईयर से सर्वाइव कर रही थी एंड नाउ इट हैज़ गॉट एक्सटिंक्शन विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़। ओके, अब ये 1996 से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में है, तो ऑब्वियसली क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब एंडेंजर्ड से भी ऊपर, एक्सटिंक्शन से नीचे वाली जो कैटेगरी थी क्रिटिकली एंडेंजर्ड उसमें थी सिंस 1996, मतलब इसके कंजर्वेशन मेजर्स बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत जल्दी लेने की ज़रूरत थी ताकि हम इसे बचा पाते, बट हम इसे नहीं बचा पाए हैं, इसकी कंजर्वेशन मेजर्स फेल हो गए हैं एंड इट इज़ नाउ इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्ट, ठीक है। अब ये क्या थी? ये चाइना की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश थी, ठीक है। तो इसके क्या क्या फैक्ट्स हमने देख लिए कि ये यांगजी रिवर में मिलने वाली चाइनीज पैडल फिश अब एक्सटिंक्ट हो गई है, ये 15 मिलियन ईयर से सर्वाइव कर रही थी, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में थी सिर्फ 1996 से, ठीक है, मोर देन 25 ईयर्स।
है ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है आपकी चाइना की, ठीक है। अब 2015-2006 में रीव्स शैड फिश और बेजी, ठीक है, या फिर जिसे हम यांगजी रिवर डॉल्फिन भी बोलते हैं, उनको जो है फंक्शनली इनएक्टिव बोल दिया गया है, फंक्शनली एक्सटिंक्ट बोल दिया गया है। ये यांगजी रिवर से रिलेटेड फैक्ट है, इसीलिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। ओके, अब क्या कर दिया है चाइना ने, फ्रॉम 1st of January 2020 उन्होंने ये कर दिया है कि फिशिंग बैन लगा दिया है 10 साल के लिए, है ना, यांगजी रिवर के एरियाज पर फिशिंग बैन लगा दिया है फॉर कमिंग 10 ईयर्स, ताकि वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चाइनीज पैडल फिश। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज दीगो द जाइंट टॉर्टोइज। ये भी न्यूज में था रिसेंटली, दीगो द जाइंट टॉर्टोइज। जाइंट इसलिए बोला गया इसका साइज बड़ा है, वेट ज़्यादा है, प्लस इसकी नेक बहुत लंबी होती है, ठीक है। इसकी नेक लंबी होने का क्या फ़ायदा है, इसकी जो नेक लंबी है वो इसको जो है फीडिंग में हेल्प देती है ओवर कैक्टस। ओके, अभी न्यूज़ में इसलिए था कि देखो, इससे पिछले में हमने देखा कंजर्वेशन मेजर्स फेल हो गए, पॉपुलेशन उनकी कम हो गई और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो इसके लिए कंजर्वेशन मेजर्स लिए थे, जाइंट टॉर्टोइज रिस्टोरेशन इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1976 के टाइम पर ये जो है प्रोग्राम में ऐड किया गया था, इस प्रोग्राम में तब से जो इसके जो रिस्टोरेशन इनिशिएटिव लिए जा रहे थे उन्होंने अपना असर दिखाया है और इसकी पॉपुलेशन फ्रॉम 15 to 2000 हो गई है, ठीक है। तो मतलब हमने इसको एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड की जो है हमने उससे निकाल लिया है, बट स्टिल क्योंकि आफ्टर कंजर्वेशन मेजर्स ये जो है उस कैटेगरी, मतलब इनके नंबर्स बढ़े हैं, स्टिल IUCN इनको किस में रखता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्पीशी कैटेगरी में रखता है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम था जाइंट टॉर्टोइज रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, जो कि गैलापागोस नेशनल पार्क में लिया गया था, है ना, गैलापागोस आइलैंड आपने देखे होंगे ना, गैलापागोस आइलैंड्स जो हैं 7 आइलैंड्स हैं साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की साइड वहाँ पर। तो अब क्या था कि डीगो के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी लॉन्ग लेदरी नेक होती है, डल येलो फेस होता है, बीडी आईज होती हैं, ठीक है, अबाउट 5 फीट तक एक्सटेंड कर सकता है। इसका वेट्स होता है 176 पाउंड्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 80 kgs। इसका एवरेज लाइफ स्पेन होता है ऑफ 100 ईयर्स। अब लाइफ स्पेन क्या होता है ये बताओ, लाइफ स्पेन आप बहुत सब लोग बोलेंगे कि एक इंसान के बर्थ से डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका टाइम स्पेन होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। टाइम स्पेन क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आज एक बच्चा पैदा हुआ और किसी बीमारी के कारण 2 दिन बाद वो मर जाता है तो उसका लाइफ स्पेन 2 हुआ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बल्कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग का बर्थ हुआ है, ओके, तो हम उसका अप्रोक्सीमेट जो है टाइम स्पेन बता देते हैं कि भाई 75 to 80 ईयर्स मिनिमम, ठीक है, जो भी लाइफ स्पेन जो है एस्टिमेट किया जाता है या फिर जो निकाला जाता है, ओके। तो व्हाट इज लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन है बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपका है आपका लाइफ स्पेन। तो इस जाइंट टॉर्टोइज का लाइफ स्पेन क्या है, ओवर 100 ईयर्स नॉर्मली, ठीक है। इसका जो आपका लाइफ स्पेन है 100 साल, ये मतलब 100 साल जी सकता है, ओके। IUCN में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है और साइट्स की में ये Appendix 1 में रखी गई है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज अबाउट इंडियन स्किमर। इंडियन स्किमर जो है एक वाटर बर्ड स्पीशी है, दिस इज इंडियन स्किमर। ये जो है आपकी चंबल रिवर इन सेंट्रल इंडिया, इन फ्यू पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखी गई है। IUCN के हिसाब से वल्नरेबल की लिस्ट में है और साइट्स के हिसाब से नॉट लिस्टेड, लिस्टेड ही नहीं है, ओके। अब ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि एनुअल बर्ड सेंसस हुआ था एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब ये जो धीरे धीरे करके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क जो भी न्यूज़ में आ रहे हैं वही जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके सराउंडिंग वेटलैंड्स जो थे गोदावरी मैंग्रोव्स के पास ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पर जो एनुअल बर्ड सेंसस हुआ था,
ठीक है, वहाँ पर इसको देखा गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन स्किमर, नथिंग मच। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इरावडी डॉल्फिन्स। इरावडी डॉल्फिन्स क्या होती हैं? इरावडी डॉल्फिन्स ये है आपका, इनका जो है ऐसे राउंडेड हेड होता है, जो है सम बॉड फ्लैटेंड इनकी बॉडी होती है, प्लस इनका एक फीचर होता है कि पहले ये अपना जो है फेस बाहर निकालती हैं टू रिस्पायर, एंड देन अपनी बॉडी बाहर लाती हैं, एंड देन दे स्विंग बैक इनटू द ओशन, इनटू द वाटर्स। ओके, अब इनके देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों थे। चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है वहाँ पर उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 146 एंडेंजर्ड जो है इरावडी डॉल्फिन जो है स्पॉट की गई हैं। ओके, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं और इनकी 146 स्पीशीज़ जो है, 146 जो फिशेज हैं वो डॉल्फिन्स हैं, वो आपकी उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चिल्का लेक में स्पॉट की हैं। ठीक है, इरावडी डॉल्फिन जो हैं वो ब्रैकिश वाटर में मिलती हैं। ठीक है, कोस्ट, रिवर माउथ या एस्चुरीज जो होते हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ मिलती हैं। इनका हैबिटेट जो है वो बे ऑफ, इनका जो हैबिटेट है वो आपका बे ऑफ बंगाल से लेके, ठीक है, यहाँ आपका फिलीपींस तक जो है इनका हैबिटेट जो है देखा गया है या स्पॉट किया गया है, प्लस जो है न्यू गुनिया फिलीपींस तक देखा गया है। ये मेनली तीन रिवर्स में पाई जाती हैं, इरावडी रिवर जहाँ से इसका नाम आया म्यांमार में, महाकम रिवर्स जो ये इंडोनेशियन बोर्नियो, एंड मेकोंग रिवर। ओके, आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है, प्लस इनकी पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड में वो है वो लेस देन 7500 है, और प्रिसाइजली इन बांग्लादेश, इसमें से भी बांग्लादेश मैक्सिमम जो है बांग्लादेश में, दैट इज 6400। ठीक है, और इसका जो आपकी चिल्का लेक है वो, उसके फैक्ट्स देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। इसकी जो हाईएस्ट सिंगल लैगून पॉपुलेशन देखी गई है वो चिल्का लेक में देखी गई है डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस अगर हम चिल्का लेक के फैक्ट्स की बात करें, पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी। हाँ, तो इरावडी डॉल्फिन में जो हम चिल्का लेक की बात कर रहे थे उसके फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। दैट इज़ कि ये तो एक तो इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है उड़ीसा की, प्लस ये कहाँ पर लोकेटेड है, एट द दया रिवर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर ये जो है लोकेटेड है। ये सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है वर्ल्ड की, और अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट कौन सी है, वो है कैलिडोनियन बैरियर रीफ इन न्यू कैलिडोनिया। ओके, आई एम सॉरी मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई हूँ, बट अब मैंने आपको बता दिए हैं इसके बेसिक फैक्ट्स जिन पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को न्यूज़ में क्यों था? दिस इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे गए हैं कंजर्वेशन मेजर्स के, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा गया है, ठीक है, इसीलिए जो है ये न्यूज़ में थे। ये इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज कि इनका हैबिटेट क्या है, ड्राई ग्रासलैंड्स, सब स्क्रबलैंड या फिर इंडियन सब ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, प्लस इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने मिलती है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इनकी कैटेगरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स की अपेंडिक्स वन में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 की शेड्यूल वन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो प्रोजेक्ट था उसकी कॉस्ट थी 33.85 करोड़ फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अब इंडिया में ओनली 130 रह गए हैं नंबर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के, और ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट गोदावन जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया था फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एट डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि आपका जैसलमेर में प्रेजेंट है, उसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था उसका नाम है गोदावन, ठीक है। प्लस कर्नाटका में देखा गया था लार्ज पैच ऑफ एरिया इन सिरगुप्पा डिक्लेयर्ड एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB प्रोटेक्टेड जोन, मतलब कर्नाटका में एक लार्जर पैच जो है आपका
सिरागुप्पा में, उसको GIB ग्रेट इंडियन बस्टर प्रोटेक्टेड जोन की तरह घोषित कर दिया गया है अंडर इट्स कंजर्वेशन मेजर्स। प्लस इसको आइडेंटिफाई किया गया है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के अंदर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंदर जो रिकवरी प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए ये एक स्पीशी है जिसको चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये क्या करते हैं, ये जो आपका रिकवरी प्रोग्राम है ये आपके जो ग्रेट जो बस्टर्ड मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो ब्रीडिंग ग्राउंड है मतलब जो एरिया इनके ब्रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कहीं भी हो वो, उसमें फेंसिंग करवाते हैं। ठीक है, इसलिए इससे इस फेंसिंग से क्या करते हैं वो उनको सिक्योर ब्रीडिंग देते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं उनको मतलब एक तरह से इनकी ब्रीडिंग हैम्पर ना हो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी से या किसी भी चीज़ से, और इनके नंबर्स कम ना हो हमेशा बढ़े, इसके लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, GIB के प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। अब जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क यहाँ आते जा रहे हैं वही आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं सबको हमें जो है ध्यान रखना है कि करेरा है तो किसके लिए है और कहाँ है। ठीक है, क्या है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वॉट एवर इट इज़। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, आई होप यू लाइक इट एंड आई एम वेटिंग फॉर द पॉजिटिव रिव्यूज़ एंड नेगेटिव रिव्यूज़ एज वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।